ये 14 अक्टूबर को जो मैच होने जा रहा है, ये पाकिस्तान इंडिया का होने जा रहा है ना शायद, तो देखो ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होने जा रहा है ये बहुत बड़ा मैच है और सबकी उम्मीदें इस मैच पे रहती हैं कि कौन टीम जीतेगी। लेकिन इसमें बोलने वाली बात नहीं है, ये तो मैच तो जीता ही हुआ है इंडिया ने और ये मैच इंशाल्लाह विन करेगी इंडिया। देखिए पाकिस्तान की जो टीम है, आपने कहा कि बहुत बड़ी टीम है, हाँ उसमें कोई शिकवा नहीं है कि वो बहुत बड़ी टीम है, लेकिन इंडिया के साथ वो काफ़ी छोटी बन जाती है। और जब मैच होगा तो मैच में मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि कांटे की टक्कर लगेगी, लेकिन लास्ट में इंडिया विन करेगी किसी भी सूरत में, ये क्लियर है। तो देखो ये पूछने वाली बात नहीं है मेरे भाई, ये तो पता ही है कि कोहली जो है वो तो सेंचुरी मारेगा ही मारेगा। तो आपके फेवरेट प्लेयर कोहली हैं? कोहली हैं बिल्कुल जी जी जी। तो पाकिस्तान साइड से कौन लगता है ज़बरदस्त खेलेगा और विकेट चटकाएगा हिंदुस्तान को? देखो विकेट चटकाने की बात जो आपने की तो शाहिन शाह अफरीदी पे भी कुछ उम्मीदें हैं लोगों की, और खेलने में तो बाबर आजम शायद 80-90 बनाएगा शायद, यानी यकीन पूरे यकीन के साथ। पूरा यकीन है भी नहीं क्योंकि इंडिया के खिलाफ उसने मैंने ज़्यादा उसका कुछ देखा नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा उसका रन्स वगैरह जो भी है, लेकिन उम्मीदें हैं कि 70-80 के आसपास जाएगा वो जी। तो ये वर्ल्ड कप आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के नाम होगा? 100%।